हेलो बच्चों, सिस्मोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो। लास्ट जब हम वीडियो में कर रहे थे तो आर्टिकल आधा रह गया था, तो उसको पूरा करते हैं। आर्टिकल कौन सा? एक्सपेंशन ऑफ अ स्फेरिकल वेव इनटू प्लेन वेव्स। ठीक है, चलिए हमने ये यहाँ तक किया था, आप लास्ट वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों इतना कंप्लीट हुआ था। अब इक्वेशन नंबर 6 जो कि मैंने यहाँ लिख ली है, क्या है वो? 2π² a kx ky इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2π d phi 1 अगेन 0 to π e raised to power minus iota r k plus q cos psi 1 minus phi 1 dr। ओके बच्चों, देखिएगा अब मैंने इसका इंटीग्रेशन ऐसे, इस टाइप का इंटीग्रेशन, इसको मैंने b माना है, ये मेरा b है। ठीक है, क्या इंटीग्रेशन किया था? ई रेस्ट पावर आयोटा आर बी 0 to ∞ पर आयोटा बाय बी। ओके, तो देखिए बच्चों इंटीग्रेशन ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इज इक्वल टू डी फाई वन सेम है, 0 to 2π भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसकी जगह हमने आयोटा बाय बी लिखा, आयोटा बाय बी, बी मतलब ये वाला पोर्शन, तो आयोटा ये बी है मेरा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम एक डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है कि इफ 0 to 2π लिमिट है, dx अपॉन में 1 plus a cos x है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2π upon √1 minus a square। ओके बच्चों, तो जो राइट साइड है उसमें मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी एज इट इज। क्या था बच्चों यहाँ पे, यहाँ पे था ये। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने लिखा आयोटा बाई के 2π upon √1 minus q² by k² ओके बच्चों, तो यहां से के स्क्वायर एल से हम लेके बाहर ले गई, के से के कैंसिल हो गया, ये बचेगा बस मेरा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब 2π है, एक 2π कैंसिल, यहाँ पे जो 2π था वो आ गया नीचे। ठीक है बच्चों, देखिएगा एंड के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ओके चलो, अब हेंस e raised to power minus iota k r upon r is equal to 1 by 2π। देन क्या था, डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दिस क्या क्या बच्चों, हमने मैंने तुम्हें क्या कहा था कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ताकि हम कहाँ पुट कर पाए, पेज नंबर 3 पे है बच्चों, दिस इक्वेशन नंबर 2 में ये फोरियर इंटीग्रल थ्योरम हमने लगाई थी। देन मैंने क्या कहा था, पहले हम इस a के x के y की वैल्यू निकालेंगे, देन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैंने a के x के y की वैल्यू निकाल दी है ये, और मैंने यहाँ पुट कर दी है। ठीक है बच्चों, चलिए दिस फॉर्मूला कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 dimension। मैं 2 dimension में देख पा रही हूँ, ठीक है, इसको हम 3 dimension में भी ले जा सकते हैं, और वहाँ पे k क्या होगा, √kx² + ky² + kz² एंड यहाँ से kz² की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, और r 2D में ये है और 3D में r x² + y² + z². ठीक है बच्चों, चलिए एंड फॉर व्हेन z > 0 देन ये सेम। ठीक है, <0 के लिए भी सेम। ओके चलिए आगे देखो बच्चों, साई को हम क्या लिख पाए, v0 upon √4π दिस। ठीक है, तो v0 upon अब देखो क्या किया इसने, इंटीग्रेशन सेम जो है वो सारा लिख लिया। ठीक है बच्चों, देखिएगा साई की वैल्यू हमने है, और z > 0 के लिए और z < 0 के लिए हमने ये निकाल लिया है। ठीक है, इंटीग्रेशन और फोरियर इंटीग्रल थ्योरम से, एंड देन ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। ठीक है बच्चों, दिस गिव्स द एक्सपेंशन ऑफ ए स्फेरिकल वेव इन टर्म्स ऑफ प्लेन वेव प्रोपगेटिंग इन द डायरेक्शन गिवन बाय वेव वेक्टर दैट इज kx ky and kz। कर पाएंगे? ठीक है, जस्ट ये इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की है। ठीक है बच्चों, जस्ट वैल्यू यहाँ से कर पाएंगे। चलो देखिए बच्चों, सोमरफील्ड इंटीग्रल ये हमने ऊपर निकाला है साई अभी अभी। ठीक है, अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट बताया था हमने, kx क्या होता है, k sin delta cos psi 1, ky k sin delta sin psi 1, kz k cos delta। अब यहां से बच्चों cos delta की वैल्यू क्या आएगी, kz upon k। ठीक है बच्चों, चलिए व्हेन वी पुट, देखो बच्चों अगर मैं k = kz पुट करूंगी, जैसे मेरा क्या था, cos delta = kz upon k। अगर मैं यहाँ पे k पुट करूंगी तो k / k 1,
और कोस डेल्टा वन किस पे होता है, जब डेल्टा कितना हो मेरा, जीरो। ठीक है बच्चों, कोस जीरो वन होता है ना, डेल्टा जीरो। अब डेल्टा को जीरो ले लो, मैं यहाँ पे ले लो साइन जीरो जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, साइन जीरो जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो के एक्स और के वाई दोनों ही क्या आ गए, जीरो। ठीक है बच्चों, चलिए के जेड क्या है, अभी पीछे वैल्यू निकाली हमने 10। ये सब समझने से पहले बच्चों ये देखिएगा, आप ये देखिएगा, देखो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन आयोटा एक्स कैसे सोल्व होता है, आयोटा बार, ये हाइपरबोलिक में चेंज हो जाता है, और साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या होती है, आयोटा सेम ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स बाय टू, टू मैंने यहाँ ले लिया। अब बच्चों देखो इन्फिनिटी पुट करो, पुट कर दें ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया मेरा, कोस दिस आयोटा बाय टू ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब इन्फिनिटी। ओके बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे कोस डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा मेरा क्या है, यहाँ पे पाई बाय टू माइनस आयोटा इन्फिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। ठीक है बच्चों, डेल्टा क्या है, 90 माइनस आयोटा इन्फिनिटी। ठीक है, देखो कोस 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 डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस आयोटा इन्फिनिटी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इससे ये देखना पहले। चलिए बच्चों, अब देखिएगा डी के एक्स डी के वाई निकाल लेंगे जैकोबियन से। ठीक है, क्या है डी के एक्स डी के वाई, के एक्स का डेल्टा के हिसाब से, के एक्स का साई वन के हिसाब से, फिर के वाई का डेल्टा के हिसाब से, के वाई का साई वन के हिसाब से डेरिवेटिव कर लिया बच्चों हमने, डेरिवेटिव करके मैंने यहाँ लिख लिया। ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या था, डी डेल्टा डी साई वन, डी डेल्टा डी साई वन। ओके, कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट, इस क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या क्या आएगा यहाँ से, के कोस डेल्टा के साइन डेल्टा, इसका मतलब के स्केयर कोस डेल्टा साइन डेल्टा कोस केयर साई वन, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, के स्केयर कोस डेल्टा साइन डेल्टा और साइन स्केयर साई वन, तो ये कॉमन आ जाए, के स्केयर ये कॉमन आ गया बच्चों, और अंदर क्या है, कोस केयर साई वन प्लस साइन स्केयर, कोस केयर प्लस साइन स्केयर वन हो जाता है। ठीक है, और ये एज इट इज कर पाएंगे नीचे के जेड। ठीक है बच्चों, अब मैंने जब कोऑर्डिनेट डिफाइन किए थे तो मैंने के जेड को क्या बोला था, के कोस डेल्टा, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया बच्चों के कोस डेल्टा। अब के से के कैंसिल, साइन कोस डेल्टा से कोस डेल्टा कैंसिल, क्या आएगा कि एक के बच, यहाँ से बच गया साइन डेल्टा डी साई वन। ओके, तो इक्वेशन नंबर 8 भी दिखा देती हूँ तुम्हें, कौन सी इक्वेशन है ये, इक्वेशन नंबर 8 बी इज दिस। ओके बच्चों, ये पुट करनी है, इसमें पुट करना है साइज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू आयोटा अपॉन में टू पाई, ये वैल्यू सारी पुट कर ली देखो। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिएगा, अब यहाँ पे क्या किया हमने, देखो जो डेल्टा थी है ना, देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये जैसे मैंने पहले लिमिट चेंज की थी, ये लिमिट देखो बच्चों, ये क्या है सारा, जितना भी वैल्यू है के एक्स के वाई सारे साइन कोस में है, तो ये वैल्यू तो क्या आ जाएगी, इनकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, जीरो से टू पाई, ये तो जीरो से टू पाई रहेगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा, जब मैं डेल्टा की बात करने जा रही हूँ, तो डेल्टा मेरा क्या है, कहाँ पे है, पाई बाय टू माइनस आयोटा इन्फिनिटी, तो मैंने वो लिमिट क्या ले ली, जीरो टू पाई बाय टू माइनस आयोटा इन्फिनिटी। अगेन जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वहाँ पे रेंज लिमिट की क्या रहेगी, मैक्सिमम रेंज जीरो से टू पाई। ठीक है, साइकिल की लेंथ इतनी होती है, टू पाई होती है। ठीक है, और डेल्टा है, डेल्टा कितना है, मैक्सिमम पाई बाय टू माइनस आयोटा इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, सेम या देखो यहाँ से सेम ही किया, ई की पावर माइनस आयोटा के आर बाई आर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डी के एक्स डी के वाई अपॉन में के जेड, इसकी वैल्यू ऊपर से हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो डेल्टा अलग कर लिया, साई वन अलग कर लिया। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल। ठीक है बच्चों, चलिए, और ये तो मैंने तुम्हें बताई दिया केसेस, जेड ग्रेटर देन है, जेड लेस देन जीरो है, वो नेगेटिव साइन पर डिपेंड करता है। इफ इन प्लेस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डेल्टा वी यूज एंगल ऑफ इमरजेंस अल्फा, देन फॉर जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो बच्चों, ये क्या किया हमने, ई रेस्ट टू पावर आयोटा के की जगह के अल्फा। ठीक है, आयोटा के बाय टू पाए, ये एज इट इज, ये एज इट इज। यहाँ पे देखो बच्चों, डेल्टा हमने ये सेम रखा है फैक्टर, यहाँ पे हमने सिर्फ डेल्टा की वैल्यू पुट की है, क्योंकि हमने पीछे डिफाइन किया था अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस डेल्टा।
ठीक है, क्योंकि जो अल्फा है मेरा वो एंगल ऑफ इमरजेंस है, ठीक है, और एक एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो उनमें 90 डिग्री का दोनों का सम करेंगे तो कितना है 90 डिग्री, तो एक निकालेंगे तो 90 माइनस डेल्टा। ओके, तो यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया, ठीक है। देखो ये सेम है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये देखो, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों, हाँ पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स आर कोस फाइव वन, वाई आर साइन फाइव वन, स्केयरिंग और एडिंग कर लेना वो सब। चलिए अब एक डायग्राम मैंने डिफाइन किया है, अल्फा एंगल, ठीक है, ये म्यू वेक्टर, ये के वेक्टर, ठीक है। चलिए अब हमें ये पता है, क्या पता है बच्चों, ये देखो के कोस अल्फा इज इक्वल टू म्यू। अगर मैं इसको के कोस अल्फा को म्यू लिखती हूँ तो कोस अल्फा क्या हो जाएगा, म्यू बाय के, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, म्यू है, और के इंक्लाइंड है, जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर एफ जो है वो इंक्लाइंड है किसी एंगल से तो एफ को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल वो क्या आएगा, एफ कोस, ठीक है, ये अल्फा है तो एफ कोस अल्फा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे क्या रखा है, म्यू, तो ए के कोस अल्फा इज इक्वल टू म्यू, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, म्यू बाय के, ठीक है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करेंगे तो के एज इट इज, कोस अल्फा का डेरिवेटिव माइनस साइन अल्फा डी अल्फा इज इक्वल टू डी म्यू, ठीक है, डी अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस डी म्यू अपॉन में के साइन अल्फा, ठीक है। अब इससे देखो बच्चों, ये क्या है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो कैसे निकालते हैं, हमें पता है पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये निकालेंगे तो दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर। ओके बच्चों, साइन अल्फा क्या होता है, पी बाय एच, ठीक है, तो मैंने ये रख दिया। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, अगर माइनस कॉमन लूंगी, मैं माइनस कॉमन लूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट माइनस वन आयोटा, ठीक है, ये एज इट इज, एज इट इज, ठीक है बच्चों। चलिए के एक्स एक्स के वाई वाई, के एक्स की वैल्यू रख दी, एक्स की वैल्यू रख दी, के वाई की वैल्यू रख दी, वाई की वैल्यू रख दी, जो कॉमन आया वो कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, कोस साई वन माइनस फाई वन, ठीक है, तो के आर कोस फाई, ठीक है, के आर कोस अल्फा कोस दिस, ये तो सेम है बच्चों, ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, म्यू आर, ठीक है बच्चों। चलिए क्योंकि ऊपर हमने अभी प्रूव किया कि के कोस अल्फा म्यू है, तो के कोस अल्फा को म्यू रखा और ये आर कोस दिस, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर फोर मैंने दोबारा यहाँ पे लिख ली है, ये मेरी इक्वेशन नंबर फोर है, ठीक है, अल्फा कितना है पाई बाय टू माइनस डेल्टा, और डेल्टा कितना है पाई बाय टू माइनस अल्फा, ये सब मैंने जो पीछे पीछे वाला यूज कर रखा है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ये सेम है बच्चों, ठीक है। अब देखो कोस अल्फा दिस, अब ये पहले ये देखना, ई रेस्ट पावर आयोटा, इसकी वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है, ये रही, ये सार ये रही म्यू आर कोस दिस, ये मैंने रख दी बच्चों, ठीक है। अभी क्या बचेगा, के जेड जेड बचेगा, ठीक है, और के जेड मैंने क्या माना था, के कोस डेल्टा, ठीक है, बात समझ में आई, तो ई रेस्ट पावर आयोटा के कोस डेल्टा था, अब डेल्टा की वैल्यू क्या रख दी मैंने, पाई बाय टू माइनस अल्फा, तो कोस पाई बाय टू माइनस अल्फा क्या होता है, साइन, तो ये साइन अल्फा आ गया बच्चों, ठीक है, जेड एज इट इज है, जेड ये वाला एज इट इज है। दोबारा देख लो, के जेड क्या है मेरा, के कोस डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू मैंने पुट कर ली पाई बाय टू माइनस अल्फा, तो कोस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा ये आयोटा के एज इट इज, जेड ये एज इट इज, ठीक है। बाकी जितनी जो वैल्यू है वो सारी हमने पुट कर ली, यहाँ से डी अल्फा की वैल्यू निकाली थी, पुट कर दी बच्चों, कर दी। चलिए अब देखिएगा, यहाँ से आयोटा के से के कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ पे वन बाई टू पाई माइनस माइनस प्लस ये वैल्यू, ठीक है, ये एज इट इज। अब देखो यहाँ पे डी साई वन यहाँ ले गए, यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू ऊपर से मैंने निकाली थी तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है बच्चों, कर लेंगे, ठीक है, वन बाई टू पाई दिस, ये देखो इसकी वैल्यू क्या है, एक और डेफिनेट इंटीग्रल कि दिस दिस ये सारा हमने किसके इक्वल होता है, जे नोट म्यू आर के, तो जे नोट म्यू आर मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब दिस एज इट इज, टू पाई से टू पाई कैंसिल, तो यहाँ पे कोई टू पाई नहीं है, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, कर पाएंगे। चलिए देखो बच्चों, रिप्लेसिंग k
के टू के अल्फा एंड म्यू टू के, तो हम देखो वी स्केयर माइनस के स्क्वेयर, वी स्केयर क्या है बच्चों, के स्क्वेयर को स्क्वेयर अल्फा, के स्क्वेयर क्या है, के स्क्वेयर को स्क्वेयर, अगर मैं जेड की बात करूँ तो के स्क्वेयर को स्क्वेयर डेल्टा, डेल्टा को चेंज करूंगी 90 माइनस अल्फा में, तो साइन में चेंज हो जाएगा के स्क्वेयर कॉमन, को स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर वन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया सिर्फ अंडर रूट म्यू स्क्वेयर यानी कि म्यू, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे हमने पुट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड में हमने इस पूरे की जगह इसकी जगह पुट कर दिया, ठीक है बच्चों, कर दिया। सो स्फेरिकल वेव्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सुपरपोजिशन ऑफ सिलेंड्रिकल वेव्स एंड दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फेरिकल वेव्स इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल वेव इज नोन एज, यानी कि जो हमने अभी डिराइव किया है वो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है स्फेरिकल वेव्स की, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल वेव, इसी को बोलते हैं सोमरफिल्ड इंटीग्रल। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप जरूर प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। ये पूरा 16 मार्क्स भी कवर करता है, ठीक है। और अगर सोमरफिल्ड इंटीग्रल डिराइव करना आया तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, एज वी नो करके, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे क्रिस्चोफ सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, आप ये पूरा कर लेना, और नहीं समझ में आए तो क्वेरी ले सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।